मॉनसून की पहली बारिश ने मचाया हाहाकार। हरी सब्जियों की वजह से खाली हो रहे जेब, सब्जियों के दाम सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मॉनसून की पहली बारिश का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर हुआ है और अचानक उनके दाम बढ़ गए हैं। जहां टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए, तो वहीं लौकी 50 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई के कारण आम आदमी की थाली में हरी सब्जी की मात्रा भी अब कम हो गई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश से किसानों की सब्जियों की फसल पर असर पड़ा है और बाजार में इस समय ज्यादातर सब्जियां बाजार से बाहर है। महंगाई होने पर लोगों ने कटौती करना भी शुरू कर दिया है, तो टमाटर का दाम बढ़ते ही लोगों ने 1 किलो की जगह 1 पाव खरीदना शुरू कर दिया है। 100 रुपए किलो दे रहे हैं, 2 किलो खाते थे अब आधा किलो खा रहे हैं। ऐसे ही हरी सब्जियों की मात्रा भी लोगों ने कम कर दी है और इसका असर दुकानदारों की जेब पर भी पड़ रहा है। थोक में खरीदने वाले दुकानदारों का सामान खराब हो रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों ने सब्जी की मात्रा में कटौती कर दी है। वहीं आपको बताएं कि बारिश के कारण सब्जियों के दामों में आई तेजी का सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, तो वहीं गृहिणियों का बजट भी इससे बिगड़ गया है। महिलाओं की माने तो महंगाई के कारण थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं और आसमान छू रही हरी सब्जियों के दाम में लोगों की थाली महंगी कर दी है। 1 सप्ताह पहले और अब की तुलना में सब्जियों के दाम कुछ इस तरह बढ़े हैं, जिसमें आलू 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो तक पहुंच गया। उसी तरह प्याज भी 20 की जगह 30 रुपए किलो मिल रहा है। भिंडी 20 रुपए की जगह 40 रुपए, फूल गोभी 80 की जगह 100 रुपए किलो और मटर 60 रुपए किलो की जगह 100 रुपए किलो। इसी तरह कद्दू, तोरी, इन सब के दाम बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो महंगाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वही अधिकांश गृहिणियां टमाटर खरीदने के बजाय टोमेटो प्यूरी से काम चलाने लगी है। तो जरा सोचिए कि मॉनसून की पहली बारिश में ये हाल है तो पूरे साल भर आखिर क्या होगा। लगातार जब कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश होगी तब क्या होगा, क्या सब्जियां पूरी तरह से लोगों की थाली से गायब हो जाएंगी।